चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। कर आपका हमारे न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। बड़ी खबर है जहां हरियाणा में दोबारा हो सकता है मंत्रिमंडल में बदलाव। खुलकर आए निर्दलीय विधायक। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हरियाणा में एक बार फिर मंत्रिमंडल में बदलाव व चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। निर्दलीय विधायक को दोबारा लामबंदी और सरकार के समर्थन में खुलकर सामने आ जाने के बाद इन चर्चाओं को पंख लग गए हैं। बताया जा रहा है कि जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन के कारण सरकार पर दबाव बना हुआ है, जिस कारण विधायकों ने एक संदेश देने का काम किया है। कुल मिलाकर निर्दलीय विधायकों के एकजुट होकर प्रदेश सरकार के मुखिया मनोहर लाल को समर्थन करने व उनकी नीतियों में विश्वास जताने के साथ साफ कर दिया कि वह सरकार के साथ है। यहां पर उल्लेखनीय है कि हरियाणा की गठबंधन वाली सरकार में 40 विधायक भारतीय जनता पार्टी के और 10 विधायक जननायक जनता पार्टी के पास है। दोनों पार्टियां मिलजुल कर सरकार चला रही है। हरियाणा की विधानसभा में कुल 90 विधायक चुनकर आते हैं और 46 विधायक जिस पार्टी के होते हैं उसी की पार्टी सरकार बना देती है। हरियाणा विधानसभा में भी कई मौकों पर बलराज कुंडू राज्य सरकार पर हमले बोले हैं। वहीं इस दौरान कई बार उनका विपक्ष के नेताओं के प्रति प्रेम दिखाई दिया है और कई बार उन्होंने सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष को भी लपेट दिया। लेकिन बाकी विधायकों को कई मौकों पर खुलकर भाजपा सरकार के समर्थन में आए हैं। इस तरह कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी 57 विधायकों को लेकर सरकार चला रही है। काफी दिनों से प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ और कई जिलों में कई प्रकार की चर्चाएं चल रही है। इस बार निर्दलीय विधायकों की ओर से सोमवीर सांगवान, राकेश दौलताबाद, रणधीर सिंह गोलम, नैनपाल रावत, धर्मपाल गोदर, रणधीर सिंह पहले ही भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के सरकार का समर्थन दे रखा है। अब हरियाणा सरकार दोबारा मंत्रिमंडल का विस्तार करेगी और जहां निर्दलीय विधायक हैं इनको मौका देगी। बने रहिएगा चैनल के साथ मिलते हैं वीडियो में। धन्यवाद।